खई के पान बनारस वाला ये गाना अपने समय में लोगों के दिलों पर राज करता था। आज की तारीख में भी इसका जादू लोगों के सर पर चढ़कर बोलता है। जैसे इस गाने का जादू सर चढ़कर बोलता है, उसी तरीके से पान भी लोगों के लिए खूब आकर्षण का केंद्र बना रहता है। शादी हो या फिर कोई फंक्शन या फिर कोई मस्ती का माहौल, लोग पान को बड़े शौक से खाते हैं। उत्तर प्रदेश की राजधानी लखनऊ में लोग बिरयानी, कबाब और तंदूरी खानों की लजीज रेसिपी खाने के लिए लोगों का तांता लगा रहता है। दूरदराज से भी लोग इस शहर में इसीलिए जाते हैं ताकि इन व्यंजनों का स्वाद ले सके। अब इस शहर की एक और चीज लोग खाने के लिए उत्सुक हैं और वह है 24 कैरेट के सोने का पान। लखनऊ का गोल्डन पान शहर में काफी मशहूर है। पहले ये गोल्डन पान 999 रुपए में मिलता था, अब इसकी कीमत 1100 रुपए हो गई है। 24 कैरेट सोने की मिठाई पहले 50,000 रुपए प्रति किलो थी, अब 56,000 रुपए प्रति किलो हो गई है। इसके अलावा सोने की चाय पहले जहां 150 रुपए की थी, तो वहीं अब इसकी कीमतों में भी 10 से 20 रुपए का इजाफा होने जा रहा है। लगातार बढ़ते हुए सोने के दाम की वजह से मैंने इसका दाम बढ़ाया है, क्योंकि लोगों की डिमांड में भी आ गया है, थोड़ी सी चीज़ों में महंगाई आ गई है, इसलिए इसका दाम मुझे बढ़ाना पड़ गया है। सर, क्या अंदर का मटेरियल भी चेंज हुआ है? जी, थोड़ा सा मटेरियल भी इसमें चेंज किया है कि लोगों को टेस्ट वाइज और इम्प्रूव करके दिया है कि खाने में उनको और अच्छा लगे। हमने इन सब के पीछे की वजह जानने के लिए गोल्डन पान बनाने वाले राष्ट्रीय पान दरबार के मालिक संजय चौरसिया से बात की। उन्होंने बताया कि सोने के पान की कीमत में इसलिए इजाफा किया गया है क्योंकि 24 कैरेट सोने की कीमत बढ़ गई है। इस पान को बनाने में अब लागत ज्यादा आ रही है, इसीलिए इसकी कीमत अब 1100 रुपए कर दी गई है। देखिए, जिस ये एक ऐसी चीज है जो खाने वाले को अगर एक बार लग गया तो वो चस्का फिर दोबारा आना ही आना है उसको। लोगों को अच्छा लग रहा है, दोबारा रिपीट आ रहे हैं, यही हम लोग के लिए बहुत अच्छी बात है। तो रेट की कॉस्टिंग का कोई मतलब नहीं होता अगर वो अच्छा लग रहा है तो। एक नया पान निकाला है, कुछ भी पान, वो खाने में ही एकदम अलग है, लोगों को बड़ा अच्छा लग रहा है और लोग उसके लिए डिमांड कर भी रहे हैं मेरे पास आके। लोकल 18 लखनऊ से अंजलि सिंह राजपूत की रिपोर्ट।